अच्छा FPS लेक्चर नंबर 22. नाउ दिस इज़ ऑन रिव्यू एक्सरसाइज 5 विच इज़ ऑन पेज 116 एंड इन दिस एक्सरसाइज आई एम योर टीचर ताबिना महफूज. इन दिस एक्सरसाइज देयर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विच आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस. नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 विद 6 पार्ट्स. सो आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट At the end of each question, four circles are given, fill in the correct circle. ठीक है, तो बेटा आपने questions को स्टेटमेंट को रीड करके और सही जवाब बताना है. ठीक है, सबसे पहले को आप देखते हैं इफ ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ 4 5 एंड रिलेशन इज़ 1 4 2 5 3 4. ये आपको जो पेयर दिए हुए हैं रिलेशन में, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस किस्म का फंक्शन है. तो ये देखें, 1 to 1 फंक्शन के लिए तो ज़रूरी होता है कि फ़र्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और सेकंड एलिमेंट जो है वो 4 5 है, लेकिन फिर 4 आ रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं हो सकता, रिपीटेशन हो रही है. फंक्शन फ्रॉम ए टू ए भी नहीं है, क्योंकि आपने एक फ़र्स्ट एलिमेंट ए से लिए हैं, सेकेंड एलिमेंट बी से लिए, सो ए टू बी का ऑर्डर ही है. उसके बाद आप नॉट अ फंक्शन भी हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि फ़र्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुए, फर्स्ट सेट ए कम्प्लीट हो रहा है डोमेन में. तो फिर आपका जवाब क्या होगा, एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ये आपका ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसमें सेट बी भी कंप्लीट हो रहा है और सेट ए भी आपने कंप्लीट लिया हुआ है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. आपने ऑप्शन नंबर 4 को फिल करना है. ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. ठीक है जी, अब उसके बाद है सेकेंड. इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट्स, दैन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए टू बी इज़. इसमें ऑप्शन में 2 जो गिवन है, इसको अगर आप देखें, अब बेटा इसके लिए आप जो है ना रफ़ वर्क में थोड़ा सा ये सॉल्यूशन आप इसका देखें. ठीक है, इन द रफ़ वर्क आप देखें, इसका सॉल्यूशन आप देखें. ये देखें बेटा, ये रफ़ वर्क में हमने इसको सॉल्व किया है. तो ये देखें, आपके पास ए में 2 मेम्बर्स हैं, बी में 3 मेम्बर्स हैं, ए टू बी में आपके पास एलिमेंट 6 बनते हैं. नाउ नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट. तो ऑल सबसेट्स के लिए फिर हम पावर सेट वाला जो फार्मूला है 2n, n मीन्स नंबर ऑफ, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो अब इस वक्त एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, 6, तो 2 6 इसका जवाब होगा. सो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज़ a क्रॉस b इज़ 2 6. तो ये देखें, आपके पास 2 6 जिसमें आ रहा है, ये थर्ड सर्कल, इसको हम फिल करेंगे. थर्ड सर्कल इसमें जवाब है और ये थर्ड सर्कल आपका फिल हो जाए. ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट का मतलब है कि कोई भी मेम्बर उसमें कॉमन ना हो, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होता है. तो आप इसको देखें, फर्स्ट में बेटा आपका ये तो इक्वल सेट दिए हुए, सेकेंड में आपका 0 2 4 6 है, 2 4 6 8 है, तो ये भी इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग है. फिर 0 0 3 6 9 है, और ये 9 16, तो इसमें भी 9 कॉमन है, ये भी ओवरलैपिंग है. बट इन द फोर्थ सर्कल, फोर्थ ऑप्शन 0 4 8 12 6 10 14 18, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, सारे एक दूसरे से नहीं मिलते, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दीज सेट्स. सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. ऑप्शन सर्कल 4 जो है ये आप फिल करें, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. अच्छा जी, अब फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बेटा, इफ़ यूनिवर्सल सेट में आपको u x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 30, यानी ऑड इंटीजर्स को लेना है, ऑड नंबर्स को लेना है जो कि लेस देन 30 हो. पॉजिटिव ऑड नंबर्स होते हैं जो लेस देन 30 है. इसके अलावा आर सेट में आपको 157 दिया हुआ है, एस सेट में आपको 137 11 और 13 ऑड नंबर्स दिए हुए हैं. ये दोनों ऑड नंबर्स के सेट हैं, लेकिन ये आपके पास 30 तक, लेस देन 30 तक ऑड नंबर्स हैं. तो इसके में आप बता, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस कॉम्प्लीमेंट, आर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट. तो ये भी आप बेटा रफ वर्क में इसको सॉल्व कर सकती हैं. यू सेट में ऑड नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 1 से स्टार्ट करेंगे, और लेस देन 30 का मतलब है 29 तक, तो ये तकरीबन 15 एलिमेंट्स बनते हैं इसमें, 15 मेंबर्स हैं इसके. उसके बाद आर इंटरसेक्शन एस को देखें, उसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉमन मेंबर्स सिर्फ 2 हैं इसके. अब इसको अगर आप देखें, आर इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स हैं, बट आर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट यू में से जब आप इसका डिफरेंस लेते हैं, इन दो एलिमेंट्स को निकाल दें, तो ये टोटल हैं कितने मेल्टून हैं, 15 एलिमेंट्स हैं. इसमें से आप 2 को माइनस कर देंगे, 2 नहीं लिखेंगे, तो आपके पास कितने मेंबर्स रह जाएंगे, 15 - 2 दैट इज़ 13 एलिमेंट्स. आर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, 13. तो हमारा ऑप्शन 13 जो है उसको आप फिल कर दें.
या आपको थोड़ा सा रफ़ वर्क में सॉल्व करके आप देख सकते हैं, मैंने आपको रफ़ वर्क भी बता दिए तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला है, इफ़ एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन एफ़ इज़ ऑल्सो, एफ़ इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए फिर क्या होता है, जब रेंज ऑफ एफ़ जो है इक्वल्स टू बी होनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेंज ऑफ एफ़ जो है यानी सेकेंड एलिमेंट्स से जो सेट बन रहा है, सेकेंड एलिमेंट्स इन द पेयर दे आर इक्वल्स टू सेट बी, तो बी के इक्वल होना चाहिए फर्स्ट। एंड इफ़ आर इज़ दिस रिलेशन, बेटा आपको एक ये दिया हुआ है, इसमें आपसे डोमेन पूछा गया है, तो डोमेन जो होता है वट इज़ डोमेन ऑफ आर वन, तो डोमेन ऑफ आर वन में फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा 0, 8, 10 एंड 14, तो 0, 8, 10, 14 ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। ये डोमेन है आपके पास, इस रिलेशन का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है, ये फर्स्ट एलिमेंट से ये वाला सेट बन रहा है फर्स्ट वन, ये करेक्ट है, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 5, नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो सॉल्व एंड थैंक यू वेरी मच।